नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास। ट्रक में लदे गौवंश, गौवंश तस्करों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पकड़े गए गौवंश को पशु आश्रय स्थल पहुंचाया गया। एसपी ने भी पहुंचकर पकड़े गए गौवंश का लिया जायजा। खबर लम्हुआ सुल्तानपुर से। प्रतापगढ़ जनपद से मिनी ट्रक में लाद कर गौवंश ले जा रहे तस्करों को मिनी ट्रक को पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस की भनक लगते ही ट्रक को खड़ा कर तस्कर भाग निकला। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। एसपी ने भी पकड़े गए गौवंश का जायजा लिया। लम्हुआ कोतवाली क्षेत्र के शंभुगंज पुलिस चौकी के पास शिवपुरी चौराहे के पास शनिवार को पुलिस ने मिनी ट्रक को रोका। पूरा मिनी ट्रक प्लास्टिक से घिरा हुआ था और खोलने पर उसमें 13 गौवंश मिले, जिसमें एक गौवंश की मौत हो गई थी। पुलिस की भनक लगते ही गौवंश तस्कर ट्रक छोड़कर फरार हो गए। कोतवाली प्रभारी अशोक सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि प्रतापगढ़ जनपद से लम्हुआ की तरफ एक मिनी ट्रक जा रहा है, जिस पर गौवंश लदे हुए हैं, जिसको पुलिस ने शिवगढ़ शंभुगंज के बीच शिवपुरी चौराहे पर घेराबंदी करके पकड़ लिया। अज्ञात गौवंश तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। पकड़े गए पशुओं को पशु आश्रय स्थल में पहुंचाया गया है। सूचना के बाद पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा ने भी लम्हुआ पहुंचकर गौवंश का जायजा लिया। ट्रक वाहन स्वामी का भी पता पुलिस को चल गया है। शीघ्र गौवंश तस्कर पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सुल्तानपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।